जो स्केलर प्राइमर टिश्यू है यह परमानेंट टिश्यू के एक टाइप है। परमानेंट टिश्यू की थ्री टाइप्स हैं, पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू और स्केलेनकाइमा टिश्यू। उसकी पहली टू टाइप्स की वीडियो बन चुकी है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो स्केलन वर्ड है यह ग्रीक लैंग्वेज के स्केलरस वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है हार्ड यानी कि सख्त। तो प्लांट में जो जो पार्ट्स में कोई हार्डनेस प्रोवाइड कराई जाती है वह इसी टिश्यू के द्वारा कराई जाती है। और यह टिश्यू प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स में मौजूद होता है, यह प्लांट की स्टेम में मौजूद हो सकता है, उसकी रूट्स में, वेन्स ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग, सीड एंड नट्स। जो सीड्स एंड नट्स होते हैं उनकी हार्ड कवरिंग में, जैसे हस्क ऑफ कोकोनट, तो कोकोनट के बाहर वाला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी स्केलेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है कहता है। या फिर वॉलनट हो गए, उसका भी जो हार्ड कवरिंग होती है उसी में यही टिश्यू होता है। अगर हम स्केलेनकाइमा टिश्यू के सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसे दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, एक तो ट्रांसवर्स सेक्शन और एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन उसे बोलते हैं जब किसी सेल को, मतलब कोई टिश्यू लॉन्गिट्यूडिनल, उसको इस तरह से कट किया जाता है, और लॉन्गिट्यूडिनल अगर इसको कुछ बीच में कुछ इस तरह से कट करें तो उसके सेल इस तरह के दिखाई देते हैं। इसके जो सेल होते हैं डेड सेल होते हैं, मतलब जिसके पहले वाले टू टाइप थी परमानेंट टिश्यू की, पेरेन्काइमा टिश्यू और कोलेनकाइमा टिश्यू। उसके लिविंग सेल होते हैं और इसके स्केलेनकाइमा टिश्यू के डेड सेल। वॉल आर थिकेंड बाय लिग्निन, जिसकी वॉल होती है सेल वॉल वह लिग्निन मटेरियल से बनी होती है। लिग्निन वो वाला मटेरियल होता है जो उसके सेल वॉल को मोटा करता है। और इनका स्ट्रक्चर जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में दिखाया गया है, लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो होता है। और ड्यू टू थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की मोटाई के कारण कई बार ये सेल वॉल इतनी मोटी हो जाती है, इसमें तो कुछ कैविटी आपको दिखाई दे रही है खाली जगह, और सेल वॉल इतनी मोटी हो जाती है आगे 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 कि इसके बीच में सेल कैविटी इज अब्सेंट, कि सेल कैविटी भी अब्सेंट हो जाती है। इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट, अगर हम देखें सेल्स के बीच में सेल बिल्कुल एक दूसरे के साथ सटे होते हैं और इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन की। इसके फंक्शन क्या है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये प्लांट को एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है मैकेनिकल। प्रोवाइड हार्डनेस टू प्लांट, प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग टू सीड एंड नट्स, जो सीड्स एंड नट्स होते हैं उनको यह एक हार्ड कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है। और अपनी हार्डनेस के कारण यह प्लांट में के डिफरेंट पार्ट में प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, वाटर लॉस होने में को रोकता है। और यह था टॉपिक हमारा स्केलेनकाइमा टिश्यू का, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।